जब ट्रिग्नोमेट्री हम स्टडी करते हैं स्टार्टिंग में, तो हमें हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रिग्नोमेट्री 02। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन में आरडी शर्मा क्लास 10th के लगभग 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सिंपल है, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री हम स्टडी करते हैं स्टार्टिंग में तो हमें थोड़ा सा टफ लगने लगती है। तो गाइस, हमारा जो लेक्चर है बेसिक इंट्रोडक्शन, उसको देखेंगे तो ज़िंदगी में आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हमने इस तरीके से अपना पैटर्न बनाया है, इस तरीके से अपना सीक्वेंस बनाया है। पहले उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कवर किया है, उसके बाद में हम अपना लेवल को इंक्रीज़ करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में अपना लेवल को इंक्रीज़ करते हुए आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, एनसीईआरटी, ओसवाल और कुछ हमारे 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो हम उसमें कवर करेंगे। तो लगभग हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 10 से 12 लेक्चर्स हमारे हो जाएंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा आरडी शर्मा से होने वाला है। तो गाइज, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि हमारे आरडी से हमने उठाया है। गाइज, इसमें कहता है इन आ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट ए, राइट एंगल्ड एट ए इफ ए बी इक्वल्स टू 12, ए सी इक्वल्स टू फाइव एंड बी सी इक्वल्स टू थर्टीन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। तो गाइज, हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्राइंगल है हमारा एबीसी जो कि राइट एंगल्ड है एट ए। तो गाइज, हम बात करें इसके फिगर की, तो कोई हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है हमारा ए पर। गाइज, अगर होता राइट एंगल एट बी तो हम यहाँ पे पॉइंट रखते बी। तो गाइज, ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, हमने इसको मान लिया। गाइज, जो ए बी की वैल्यू है वो है हमारी 12, गाइज ए सी है हमारा 5 एंड बी सी इज 13। गाइज, ए बी हमारा 12, ए सी हमारा 5 एंड गाइज बी सी इज 13। तो गाइज, हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो गाइज सॉल्यूशन से पहले हमने एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ किया था, एक शॉर्ट ट्रिक हमने स्टडी की थी लेक्चर नंबर फर्स्ट में, PBP अपॉन HHB। गाइज, जिसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है हमारी, वो होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो गाइज, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ किया था कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को फाइंड करने में इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज, जो शॉर्ट ट्रिक होती है हमारी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो गाइज, इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके हम आसानी से क्वेश्चन फाइंड कर जाएंगे। तो गाइज, पहला पार्ट होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा साइन थीटा। गाइज, सेकंड होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा कोस थीटा। गाइज, थर्ड होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल्स टू 10 थीटा। तो गाइज, जो नीचे से होते हैं हमारे अपोजिट वाले जो होते हैं, तो गाइज जो ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इक्वल होता है कोट थीटा, जो कि अपोजिट होता है हमारा 10 का। गाइज, इसके बाद है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस विच इज अपोजिट ऑफ कोस थीटा, ये इक्वल होता है हमारा सेक थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन बी। गाइज, एच अपॉन पी विच इज कोसेक थीटा, तो गाइज ये अपोजिट होता है हमारा साइन थीटा का। तो गाइज, साइन थीटा अपोजिट होता है कोसेक का, कोस अपोजिट सेक का और टेन अपोजिट कोट का। तो गाइज, इस शॉर्ट ट्रिक से हम आसानी से क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो गाइज, क्वेश्चन में कहता है कि हमें सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने स्टडी किया था कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो गाइज 6 हमारे होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो एक बार रिवाइज कीजिए, साइन कोस टेन कोट सेक
कोसेक, साइन कोस टेन, कोटसेक कोसेक। तो गाइज जिस तरीके का हमारा एंगल होता है वही हम वहाँ पे रखते हैं। तो गाइज अगर एंगल हमारा होता है थीटा तो हम यहाँ पे थीटा का यूज करते हैं, लेकिन हमें निकालना है अब एंगल बी पर। तो हम यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे वो हम बी की फॉर्म में लेने वाले हैं, क्योंकि हमें एंगल बी पर सभी छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो गाइज हमने लिया साइन बी इक्वल्स टू, गाइज फॉर्मूला होता है हमारा फर्स्ट वाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो गाइज साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमें एंगल बी है यहाँ पे, तो हमने थीटा की जगह यहाँ पर बी का यूज किया है। तो गाइज जो परपेंडिकुलर होता है हमारा वो होता है यहाँ पर 5। तो गाइज जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 रखा। तो गाइज जो हाइपोटेन्यूज है वो है हमारा 13। तो गाइज साइन बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फर्स्ट वाला पार्ट विच इज, तो गाइज जो परपेंडिकुलर है हमारा वो है 5 अपॉन, गाइज हाइपोटेन्यूज है हमारा 13, तो हमने यहाँ पे 13 रखा। तो साइन बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 5 अपॉन 13 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो गाइज हमारा पहला आंसर आ चुका है। इसके बाद गाइज हमारा है कोस बी इक्वल्स टू, तो गाइज कोस बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच इक्वल्स टू। तो गाइज बेस जो है हमारा वो है 12 अपॉन, गाइज एच की वैल्यू है हमारी हाइपोटेन्यूज 13। तो गाइज ये है हमारा सेकेंड आंसर। गाइज इसके बाद बात करें हम, तो गाइज इसके बाद है हमारा टेन बी इक्वल्स टू, तो गाइज हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है हमारा वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो गाइज टेन बी हमारा आने वाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू, तो गाइज हमारी जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो है 5 अपॉन, जो गाइज बेस है हमारा 12। तो गाइज हमारा थर्ड आंसर आ चुका है। गाइज इसके बाद हम बात करें कोट बी, कोट बी, तो गाइज जो कोट होता है हमारा वो टेन का अपोजिट होता है, या हम यहाँ से भी देखें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो गाइज जो हमारा बेस है वो है 12 अपॉन परपेंडिकुलर इज 5। तो गाइज हमारा फोर्थ आंसर आ चुका है। हम जानते हैं गाइज कि जो कोट थीटा होता है हमारा वो टेन का अपोजिट होता है, तो गाइज जो कोट थीटा होता है हमारा वो टेन का अपोजिट होता है। तो गाइज हमारी जो टेन की वैल्यू है पी अपॉन बी इक्वल्स टू 5 अपॉन 12, अगर इसका हम अपोजिट करें तो हमारी कोट की वैल्यू आती है, जो टेन बी होता है वो होता है पी अपॉन बी, लेकिन कोट होता है हमारा अपोजिट विच इज अपोजिट ऑफ टेन बी, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल्स टू कोट बी। तो गाइज टेन बी इक्वल्स टू 5 अपॉन 12 एंड कोट बी इज द अपोजिट ऑफ टेन विच इज 12 अपॉन 5। तो टेन का अगर हम उल्टा करें 5 अपॉन 12 का अपोजिट 12 अपॉन 5 विच इज द आंसर ऑफ कोट बी, तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे। इसके बाद है गाइज हमारा सेक थीटा या सेक बी इक्वल्स टू, तो सेक की वैल्यू होती है हमारी एच अपॉन बी इक्वल्स टू, तो गाइज हमारा हाइपोटेन्यूज है 13 अपॉन गाइज बेस है हमारा 12। तो गाइज जो सेक थीटा होता है, सेक बी हम यहाँ पे लिया है हमने, तो गाइज जो सेक थीटा होता है वो हमारा अपोजिट होता है कोस थीटा के। तो गाइज हमारा एंगल है सेक बी विच इज अपोजिट ऑफ कोस बी, तो गाइज जो कोस बी है हमारा वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका अपोजिट एच अपॉन बी विच इज इक्वल्स टू सेक बी। तो सेक बी इज द अपोजिट ऑफ कोस बी, तो कोस का उल्टा हमारा सेक या सेक का उल्टा हमारा कोस होता है। तो गाइज सेक बी हमारा है एच अपॉन बी, इसका अपोजिट करें तो हमारी कोस की वैल्यू आती है, अगर हम कोस का उल्टा करें बेस अपॉन एच का उल्टा करें तो एच अपॉन बी विच इज इक्वल्स टू सेक बी। तो गाइज कोस बी जो है हमारा वो है 12 अपॉन 13, तो इसका अपोजिट 13 अपॉन 12 विच इज द आंसर ऑफ सेक बी, हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया, या आप यहाँ से भी निकाल सकते हो सेक बी इक्वल्स टू एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच की वैल्यू 13 और बी की वैल्यू हमारी 12, तो विच इज द आंसर रिक्वायर्ड। तो गाइज विच इज द रिक्वायर्ड आंसर है। तो गाइज हमारा लास्ट है कोसेक बी इक्वल्स टू, तो जो गाइज कोसेक होता है हमारा वो होता है एच अपॉन पी इक्वल्स टू, तो गाइज हमारा जो एच है वो है 13 अपॉन, तो गाइज हमारा परपेंडिकुलर है 5, परपेंडिकुलर है गाइज हमारा 5। तो गाइज कोसेक बी की जो वैल्यू आई है हमारी वो आई है 13 अपॉन 5। तो जो गाइज कोसेक होता है हमारा ये अपोजिट होता है साइन का, तो गाइज हमें पता है साइन बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका अपोजिट एच अपॉन पी विच इज द वैल्यू ऑफ कोसेक
बी। तो गाइज साइन बी की वैल्यू 5/13, इसका अपोजिट 13/5 विच इज द वैल्यू ऑफ कोसेक बी। या फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो कोसेक बी इक्वल्स टू एच अपॉन पी, एच हमारा 13 एंड पी हमारा 5। तो गाइज ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर, कोसेक बी इक्वल्स टू 13/5। तो गाइज ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो गाइज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो गाइज क्वेश्चन सेकंड है हमारा इफ कोस बी इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। तो गाइस क्वेश्चन में गिवन है इफ कोस बी इक्वल्स टू 1/3 फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। तो गाइस हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हमें गिवन है कोस बी इक्वल्स टू 1/3। तो गाइस सबसे पहले हम इसमें एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो गाइस ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, हमारा ट्राइंगल है ए बी सी। तो गाइस जिसमें एंगल जो है हमारा बी है, जो कि हमने यहाँ पे रखा है। तो गाइस हमें वैल्यू गिवन है कोस बी इक्वल्स टू 1/3, हमें यहाँ पे डाटा गिवन है, तब हमें सभी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो गाइस हमें पता है एक सॉल्ट ट्रिक हमने स्टडी की, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो गाइस ये आपको अब तक याद भी हो चुकी होगी। तो गाइस कोस बी इक्वल्स टू 1/3, तो गाइस जो कोस की जो वैल्यू होती है हमारी वो इक्वल होती है बी अपॉन एच, क्योंकि गाइस जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा ये होता है साइन थीटा, सेकंड होता है हमारा कोस थीटा एंड थर्ड वन इज टेन थीटा। गाइस अपोजिट से बात करते हैं, ये होता है हमारा कोट थीटा, दिस वन इज सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कोसेक थीटा। हमने इसको कई बार डिस्कस किया है। तो गाइज हमें इसमें डाटा गिवन है कोस बी इक्वल्स टू 1/3 विच इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। तो गाइज ये इक्वल होता है हमारा बी अपॉन एच। तो गाइज ये हमारा कोस बी इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर हमारा होता है। तो गाइज हम यहाँ से देखते हैं कि जो बेस है गाइज हमारा वो है 1, तो हमने गाइज यहाँ पे 1 रख लिया। गाइज जो हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो है 3। तो गाइज जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमने x मान लिया, जो हमें पहले फाइंड करना है। तो गाइज इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि गाइज हमें इसमें परपेंडिकुलर निकालना है पहले, तभी हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर पाएंगे। गाइज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर, क्योंकि गाइज जो हमारा ट्राइंगल है वो है ए बी सी, लेकिन जो हमारी जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो है ए बी, इसलिए हमने यहाँ पे रखा ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर है गाइज हमारा ए सी का स्क्वायर। तो गाइज जो परपेंडिकुलर है हमारा वो है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर प्लस गाइज जो बी एस है हमारा दैट इज बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, क्योंकि गाइज जो हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम में वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो गाइज जो ए बी है हमारी हाइपोटेन्यूज विच इज 3, तो गाइज 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू गाइज ए सी है हमारी एक्स, जो हमें फाइंड करना है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस गाइज बी सी है हमारी 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो गाइज ये प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो गाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 8। तो गाइज एक्स स्क्वायर जो आई है हमारी वैल्यू वो हमारी 8 आई है, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 8, क्योंकि गाइज स्क्वायर जब हटता है तो दूसरी तरफ जाके अंडर रूट लग जाता है। तो गाइज एक्स की वैल्यू है हमारी रूट 8, तो गाइज इसके फैक्टर हम करते हैं 8 के। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो 8 के 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, जिसका गाइज पेयर बनता है उसको हम सिंगल
लिख लेते हैं, तो टू। तो गाइज ये हमारा सिंगल बचा हुआ है, तो गाइज जो पेयर बनता है उसमें से हम एक टर्म ले लेते हैं, तो हमने यहाँ से बाहर निकाला टू। तो गाइज ये सिंगल हमारा बचा है, तो इस पे रूट लगने वाला है। तो गाइज जो x की वैल्यू आई हमारी, x की वैल्यू आ चुकी है टू रूट टू। तो गाइज x की वैल्यू हमारी टू रूट टू आ चुकी है, तो x हमारा है टू रूट टू। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो गाइज पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम सभी वैल्यूज़ को फाइंड करने वाले हैं। तो गाइज हम इसको इरेज करके फिर हम सभी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड करने वाले हैं। तो पहले आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए इस पार्ट को, फिर उसके बाद में हम यहीं पर आगे के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करेंगे। तो गाइज अब हम बात करते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो गाइज फर्स्ट है हमारा साइन बी इक्वल्स टू। तो गाइज हम जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच इक्वल्स टू। तो गाइज परपेंडिकुलर है हमारा टू रूट टू अपॉन, गाइज एच की वैल्यू है हमारी थ्री विच इज हाइपोटेन्यूज। गाइज साइन बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमें पता है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है हमारा वो साइन का होता है। तो गाइज जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है हमारा वो साइन थीटा के बराबर होता है विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो गाइज हमने वैल्यू रखी साइन बी की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो गाइज जो परपेंडिकुलर है हमारा वो है टू रूट टू, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी अपॉन, गाइज जो हाइपोटेन्यूज है विच इज थ्री, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी। तो गाइज साइन बी इक्वल्स टू टू रूट टू अपॉन थ्री विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो गाइज ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड की, गाइज कोस बी, वैसे भी उन्होंने कोस बी की वैल्यू हमें गिवन है विच इज वन अपॉन थ्री, अगर आप निकालना चाहें तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो विच इज एस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। गाइज बात करते हैं हम थर्ड की, तो गाइज जो थर्ड है हमारा वो है टेन थीटा। तो गाइज हम यहां पे लेते हैं टेन बी, तो गाइज टेन बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थर्ड है हमारा गाइज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो गाइज जो परपेंडिकुलर है हमारा वो है हमारा टू रूट टू, टू रूट टू अपॉन, गाइज बेस है हमारा वन। तो गाइज हमारा थर्ड आंसर आ चुका है tan b equals to perpendicular upon base which is equals to 2 root 2 upon 1। तो गाइज इसके बाद है नेक्स्ट हमारा cot b equals to, तो गाइज जो cot होता है हमारा वो अपोजिट होता है tan का, आप यहां से भी रख सकते हो base upon perpendicular। तो गाइज आप यहां से भी रख सकते हो cot b equals to base upon perpendicular b upon p। तो गाइज जो base है हमारा वो है 1 अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल्स टू टू रूट टू। तो गाइज आप यहां से देखते होंगे कि जो कोट थीटा होता है या कोट बी, हमने यहां पे एंगल लिया विच इज अपोजिट ऑफ टेन, तो जो कि टेन के अपोजिट होता है। तो गाइज जो टेन है हमारा वो है पी अपॉन बी, इसका अपोजिट बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी विच इज इक्वल्स टू कोट बी। ठीक है, वैल्यूज की बात करें तो गाइज टेन बी इक्वल्स टू टू रूट टू अपॉन वन, इसका अपोजिट वन अपॉन टू रूट टू विच इज द वैल्यू ऑफ कोट बी। तो गाइज ये कोट बी की हमारी वैल्यू आ चुकी है विच इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल्स टू कोट थीटा या कोट बी। तो गाइज हमने वैल्यू रखी वन अपॉन टू रूट टू विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो गाइज इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, विच इज sec b इक्वल्स टू एच अपॉन बी। तो गाइज एच अपॉन बी, तो गाइज यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तो जो एच है गाइज हमारा वो है थ्री विच इज हाइपोटेन्यूज अपॉन, गाइज बेस की बात करें विच इज वन। तो गाइज sec b इक्वल्स टू एच अपॉन बी विच इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन वन विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। गाइज इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, गाइज cosec b है हमारा cosec b, तो गाइज नेक्स्ट है हमारा cosec b इक्वल्स टू, तो cosec b की वैल्यू गाइज हम बात करते हैं h अपॉन p, तो cosec b इक्वल्स टू h अपॉन p हमारा होता है। तो गाइज cosec b इक्वल्स टू h अपॉन p इक्वल्स टू, तो गाइज जो h है हमारा वो है थ्री, तो हाइपोटेन्यूज हमारा थ्री अपॉन, गाइज परपेंडिकुलर है हमारा टू रूट टू। तो गाइज ये हमारी वैल्यू आ चुकी है cosec b की, तो cosec b जो होता है गाइज हमारा वो होता है h अपॉन p, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी cosec b इक्वल्स टू h अपॉन p इक्वल्स टू। तो गाइज h जो है हमारा वो है थ्री, हमने यहाँ पे रखी अपॉन परपेंडिकुलर है गाइज हमारा टू रूट टू, तो h तो cosec b इक्वल्स टू थ्री अपॉन टू रूट टू विच इज द रिक्वायर्ड
आंसर। तो गाइज ये हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर आ चुके हैं। तो गाइज जो कोसेक होता है हमारा वो अपोजिट भी होता है साइन का, आप यहाँ से भी रख सकते थे। तो गाइज आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो गाइज में डाटा गिवन है इफ कोसेक ए जो कि इक्वल है हमारा अंडर रूट 10, इफ कोसेक ए इक्वल्स टू अंडर रूट 10, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो गाइज ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि हमें फाइंड करने हैं। तो गाइज क्वेश्चन है थर्ड हमारा, क्वेश्चन थर्ड, इफ कोसेक ए इक्वल्स टू रूट 10 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमें फाइंड करने हैं। तो गाइज हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सबसे पहले हम इसमें एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो गाइज ट्राइंगल लिया हमने राइट एंगल ट्राइंगल, हम इसका नाम रखते हैं ए बी और सी। तो गाइज ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी। तो गाइज इसमें हमें वैल्यू गिवन है, गिवन दैट कोसेक ए इक्वल्स टू रूट 10, तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। तो गाइज कोसेक ए इक्वल्स टू रूट 10 अपॉन 1 हमने इसको लिख लिया। तो गाइज जो शॉर्ट ट्रिक होती है हमारी वो होती है पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो गाइज ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। तो गाइज जो हमें डाटा गिवन है उसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो गाइज हमें क्वेश्चन में गिवन है कोसेक ए इक्वल्स टू रूट 10 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो गाइज ये इक्वल होता है हमारा एच अपॉन पी। तो आप गाइज यहाँ देखते होंगे कि जो कोसेक ए है हमारा वो इक्वल होता है एच अपॉन पी विच इज इक्वल्स टू रूट 10 अपॉन 1। तो गाइज जो हमारा एच है हाइपोटेन्यूज वो इक्वल है रूट 10 के। तो गाइज जो एच है हमारा वो है रूट 10। गाइज परपेंडिकुलर है हमारा 1 और जो हमारा बेस है वो हमें फाइंड करना है जो कि हमने मान लिया एक्स। तो गाइज हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो गाइज में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। तो गाइज पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, गाइज परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस, गाइज बेस है हमारा ए बी तो ए बी का स्क्वायर। तो गाइज जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो गाइज जो ए सी है हमारी विच इज रूट 10, रूट 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू, गाइज बी सी है हमारी 1 का स्क्वायर प्लस, जो गाइज हमें ए बी है वो हमें फाइंड करनी है विच इज एक्स, एक्स का स्क्वायर। तो गाइज स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये बचने वाला है 10। गाइज ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो गाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 माइनस 1 विच इज 9। तो गाइज यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आने वाली है अंडर रूट 9 विच इज इक्वल्स टू 3। तो गाइज हमारी जो बेस है वो 3 आ चुकी है। तो गाइज जो बेस है हमारा वो 3 आ चुका है। तो बेस है गाइज हमारा 3। अब हम क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर जाएंगे क्योंकि हमें सभी वैल्यूज पता चल चुकी हैं। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं, तो गाइज सबसे पहले हमारा साइन ए इक्वल्स टू, गाइज क्योंकि हमें डाटा में गिवन है एंगल ए तो इसीलिए हमने यहाँ पे ए रखा। अगर यहाँ पे होता बी तब हम यहाँ पे बी रखते, अगर यहाँ पे होता थीटा तो तब हम यहाँ पे थीटा रखते हैं। तो गाइज साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच इक्वल्स टू, तो गाइज जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा 1 अपॉन, गाइज एच की बात करें रूट 10। तो ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। तो गाइज इसके बाद है सेकंड हमारा कोस ए इक्वल्स टू, तो गाइज जो कोस होता है हमारा वो इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। तो गाइज कोस ए इक्वल्स टू, तो गाइज जो बेस है हमारा वो है 3 अपॉन, गाइज एच की वैल्यू है हमारी रूट 10। तो ये हमारा सेकंड आंसर आ चुका है। तो कोस ए इक्वल्स टू बी अपॉन एच सेकंड होता है, बी अपॉन एच जो कि इक्वल है, तो गाइज बेस है हमारा 3
अपोन हाइपोटेन्यूस हमारा रूट टेन, तो रूट तो गाइज 3/√10 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो गाइज 3/√10 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि बेस हमारा है 3/, तो गाइज हाइपोटेन्यूस विच इज √10, तो गाइज B/H इक्वल्स टू 3/√10 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं टेन ए की, तो टेन ए इक्वल्स टू जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपोन बेस के, तो गाइज टेन ए हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपोन बेस, तो गाइज यहाँ से हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है 1, तो हम रखने वाले हैं 1 अपोन, तो गाइज बेस है हमारा 3, तो टेन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपोन बेस विच इज इक्वल्स टू 1/3। तो गाइज हम बात करें कोट ए की, तो कोट ए गाइज हमारा इक्वल होता है बेस अपोन परपेंडिकुलर, जो कि टेन का अपोजिट होता है, तो गाइज कोट ए हमारा टेन का अपोजिट होता है, तो गाइज हम यहाँ से भी रख सकते हैं, तो गाइज कोट ए इक्वल्स टू बेस अपोन परपेंडिकुलर, तो गाइज कोट ए इक्वल्स टू बेस अपोन परपेंडिकुलर जो कि हमारा टेन का अपोजिट होता है, तो टेन इक्वल्स टू पी अपोन बी, तो गाइज टेन इक्वल्स टू पी अपोन बी, इसका अपोजिट बी अपोन पी, या फिर यहाँ से रखें तो बी अपोन पी यहाँ से भी हम रख सकते हैं, तो गाइज कोट ए इक्वल्स टू बी अपोन पी, तो गाइज जो बेस है हमारा वो है 3/, गाइज परपेंडिकुलर है हमारा 1, तो गाइज हमारी कोटे की वैल्यू 3/1 जो कि रिक्वायर्ड आंसर है, तो गाइज टेन ए की वैल्यू 1/3, कोटे की वैल्यू 3/1 जो कि हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। तो गाइज इसके बाद हम बात करते हैं सेक ए की, तो गाइज इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद हम सेक ए की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो गाइज सेक ए हमारा होता है सेक ए इक्वल्स टू जो कि हमारा होता है गाइज H/B, तो गाइज सेक ए इक्वल्स टू H/B, तो गाइज जो हमारा हाइपोटेन्यूस है विच इज √10/, तो गाइज जो बेस है हमारा वो है 3, गाइज अगर आपने इससे पहले का नोट नहीं किया जो हमने इरेज किया है तो आप थोड़ा वीडियो को बैक करके उसको नोट कर लेना, तो गाइज जो हमारा सेक ए है वो है H/B विच इज H/B, तो गाइज जो हाइपोटेन्यूस है हमारा वो है √10/, जो गाइज बेस है हमारा विच इज 3, तो सेक ए इक्वल्स टू √10/3 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो गाइज ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें कहता है कि इफ साइन ए इक्वल्स टू 2/3, इफ साइन ए इक्वल्स टू 2/3 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि हमें फाइंड करने हैं। तो गाइज ये हमें डाटा गिवन है, इफ साइन ए इक्वल्स टू 2/3 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हमें जिसमें कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं सॉल्यूशन में, तो गाइज इसमें हमें गिवन है साइन ए इक्वल्स टू 2/3, तो गाइज ये हमें डाटा गिवन है, इसमें हम एक ट्राइंगल बनाते हैं विच इज ABC, तो गाइज हमारा ट्राइंगल है ABC, तो गाइज साइन ए इक्वल्स टू 2/3 ये हमें गिवन है, तो गाइज जो हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है वो होती है PBP/HHB, तो गाइज हमें साइन की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम साइन की वैल्यू रखते हैं विच इज परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेन्यूज, तो गाइज साइन ए इक्वल्स टू 2/3 विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेन्यूज, तो गाइज जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा 2 और जो गाइज हाइपोटेन्यूज है विच इज 3, लेकिन गाइज जो हमारा बेस है वो है क्वेश्चन मार्क जो हमें पहले फाइंड करना है, इसको निकालने के बाद में हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर जाएंगे। तो गाइज हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज बी सी का स्क्वायर प्लस, तो गाइज जो हमारा बेस है विच इज ए बी का स्क्वायर, तो गाइज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो गाइज जो ए सी है हमारा वो है 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, गाइज जो बी सी है हमारा वो है 2 का स्क्वायर प्लस, गाइज जो बेस है हमारा ए बी विच इज एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, तो गाइज 3 का स्क्वायर 9,
इक्वल्स टू 4, 2 का स्क्वायर हमारा होता है प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइज ये इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस का 4 विच इज 5, या लिख सकते हैं हम इसको x की वैल्यू रूट 5। तो गाइज हमारी जो बेस है वो आ चुकी है रूट 5। तो गाइज बेस हमारा रूट 5 आ चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर जाएंगे। तो गाइज सबसे पहले पार्ट होता है हमारा साइन ए, इसमें गिवन है। सेकंड जो है गाइज हमारा वो है कोस, लेकिन एंगल है हमारा ए। तो गाइज जो सेकंड होता है हमारा, तो गाइज सेकंड होता है हमारा कोस ए। तो कोस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सेकंड होता है गाइज हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बी अपॉन एच इक्वल्स टू। तो गाइज जो हमारा बेस है वो है रूट 5 अपॉन, तो गाइज जो हमारा एच है विच इज 3। तो गाइज हमारा पहला आंसर आ चुका है कोस ए इक्वल्स टू बी अपॉन एच इक्वल्स टू रूट 5 अपॉन 3 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो गाइज बात करते हैं सेकंड की, तो टेन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू, तो गाइज जो परपेंडिकुलर है हमारा वो है 2 अपॉन, तो गाइज बेस है हमारा रूट 5। तो ये हमारा सेकंड आंसर आ चुका है टेन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 5, क्योंकि परपेंडिकुलर है हमारा 2 अपॉन बेस है हमारा रूट 5। तो गाइज कोट ए इक्वल्स टू, तो गाइज जो कोट होता है हमारा वो इक्वल होता है बी अपॉन पी, बी अपॉन पी हमारा कोट की वैल्यू होती है। तो बी की वैल्यू है गाइज हमारी रूट 5 अपॉन, तो गाइज परपेंडिकुलर है हमारा 2, तो गाइज बेस है हमारा रूट 5 अपॉन परपेंडिकुलर हमारा 2। तो गाइज ये हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद गाइज हम बात करें नेक्स्ट की, तो गाइज नेक्स्ट है हमारा सेक ए। तो गाइज सेक ए इक्वल्स टू, तो गाइज जो सेक होता है हमारा वो इक्वल होता है एच अपॉन बी। तो गाइज सेक ए इक्वल्स टू एच अपॉन बी इक्वल्स टू, तो गाइज हमारी जो एच है वो है हमारी 3 अपॉन, तो गाइज जो बेस है हमारा वो है रूट 5। तो गाइज सेक ए इक्वल्स टू एच अपॉन बी विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट 5। तो गाइज सेक ए इक्वल्स टू एच अपॉन बी विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट 5 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो गाइज जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, तो सेक ए इक्वल्स टू एच अपॉन बी हमारा होता है, तो एच अपॉन बी हमने वैल्यू रखी, एच हमारा 3 अपॉन बेस हमारा रूट 5। तो गाइज लास्ट है हमारा कोसेक ए इक्वल्स टू, तो गाइज जो कोसेक होता है हमारा वो होता है एच अपॉन पी इक्वल्स टू, तो गाइज जो एच है हमारा वो है 3 अपॉन, तो गाइज जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है 2। तो गाइज परपेंडिकुलर हमारा 2, तो गाइज एच हमारा 3 ये हमने रखा, और जो गाइज परपेंडिकुलर है हमारा वो है 2। तो गाइज कोसेक ए इक्वल्स टू एच अपॉन पी विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो गाइज ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 3 अपॉन 2। तो गाइज वैसे भी आप निकाल सकते थे कि जो कोसेक होता है हमारा वो साइन का अपोजिट होता है, तो साइन इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका अपोजिट 3 अपॉन 2 विच इज द वैल्यू ऑफ कोसेक ए। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।